गुड मॉर्निंग। आज मैं तुम्हें लेसन 13 माँ के नाम पत्र पढ़ाने जा रही हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर है ये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध ईंट का जवाब पत्थर से देने की नीति को अपनाया। बालपन से ही उनके मन में देश प्रेम की भावना का प्रभाव होता रहा था। जब वे लगभग 12 वर्ष के थे तब उन्होंने अपनी माँ को एक पत्र लिखा, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत यह पत्र इस प्रकार है। रांची, सन 1912-1912। आदरणीय माँ, सादर चरण स्पर्श। आज सुबह से ही मन में बार बार आ रहा है कि क्या परतंत्र भारत माता की एक भी संतान स्वार्थ रहित नहीं है? क्या भारत माता इतनी अभागी है? कहाँ हैं वे वीर आर्य जो भारत माता पर अपने प्राणों को का बलिदान कर सकें? अब हमें जागना होगा। हम कब तक यूं देश की दुर्दशा देखते रहेंगे? 84 लाख योनियों के बाद कहीं हमें मानव देह प्राप्त हुई है। यदि इस जीवन में कोई श्रेष्ठ काम न कर सके तो जीवन व्यर्थ है। भगवान ने कलयुग में एक नई जाति बनाई है, वह बाबू लोगों की। यह जाति किसी अन्य युग में नहीं थी। प्रभु ने हमें पैर दिए हैं पर हम 10-20 कोस तक नहीं चल सकते क्योंकि हम बाबू हैं। ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं पर हम श्रम नहीं कर सकते क्योंकि हम बाबू हैं। हम श्रम को छोटे लोगों का काम समझकर उससे घृणा करते हैं। इसका एक ही कारण है कि हम बाबू हैं। हम सब काम नौकरों से करवाना चाहते हैं। हाथ पैर चलाने में हमें कष्ट होता है। हम बाबू हैं। गर्म देश में जन्म लेकर भी हम गर्मी सहन नहीं कर सकते हैं। साधारण ठंड में हम वस्त्रों से लग जाते हैं। ज्ञान विवेक होते हुए भी हम अपना कार्य नहीं कर सकते हैं। हम उसका प्रयोग नहीं करते। मानवता की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। यही कारण है कि हमारा देश दिन प्रतिदिन पतन की ओर बढ़ रहा है। अब समय आ गया है जब हमें अपना स्वार्थ त्याग कर भारत माता की सेवा में जुट जाना चाहिए। आजकल हर पल मेरा हृदय भारत माता की रुदन की आवाज सुनता है। शायद एक दिन और लोग भी इसे सुनेंगे। मैं चिरकाल तक भारत माँ की सेवा करना चाहता हूँ। आपका पुत्र सुभाष। ये नेताजी द्वारा रचे लिखा हुआ पत्र है जो उन्होंने अपनी माताजी को लिखा। और अब मैं यही विराम करती हूँ। थैंक यू।